बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य करण जी ने ये बात तो बात मान ली कि हाँ, करने वाला पहले पैदा होता है, कर्म बाद में होता है। अब इनका प्रश्न ये है, क्या वर्ण और जाति ये एक ही शब्द है, क्या ये पर्यायवाची शब्द है? एक प्रश्न ये है। और आचार्य जी का दूसरा प्रश्न ये है कि आजकल लोग कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा सभी लोग आर्य समाजी लोग भी कहते हैं और अन्य लोग भी कहते हैं, तो इसका उत्तर थोड़ी समझने लायक है। ब्राह्मण को जानता है, अगर आप इस शब्द को कहेंगे तो ब्राह्मण शब्द संस्कृत में बनता ही नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ये शब्द ही नहीं कहीं आपको पूरे वेदों पुराणों में कहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञः कहा जाता है। ब्रह्म नपुंसक लिंग शब्द है और ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु से का प्रत्यय होगा तो ज्ञा ही बनेगा। जे उसका जैसे सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, धर्मम जानाति इति धर्मज्ञः, है ना? तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहेंगे, जो धर्म को जानता है उसको धर्मज्ञ कहेंगे। तो ब्राह्मण जानाति इति ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मज्ञः ही बनेगा। जैसे धर्मज्ञः सर्वज्ञः, उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञः। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ये व्युत्पत्ति ही अशुद्ध है, गलत है, हो ही नहीं सकता। एक बात समझ गए ना? अच्छा, अब आए ये बात तो आप समझ गए। तो ब्राह्मण शब्द में हमने जो देखा है, ब्राह्मण शब्द है ब्राह्मणा, अपत्यम ब्राह्मणा। ब्राह्मण का तात्पर्य ये होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ऐसा नहीं, वो जाति अर्थ में ही प्रत्यय है, जब ब्राह्मण बनेगा तभी वो ब्राह्म। अच्छा, ब्राह्मण से स्त्री ब्राह्मणी बनेगा, ब्राह्मण के कर्म करने वाली स्त्री को ब्राह्मणी नहीं कहते। जैसे गाय चराने वाली गोप, गोप माने ग्वाल बाल की स्त्री को गोप कहते हैं, तो ग्वाल बाल को गोप कहेंगे और गोप की स्त्री को गोपी कहते हैं, चाहे वो गाय चराए और चाहे न चराए। एक सूत्र है पाणिनि जी का स्त्रीलिंग में, पुंयोगा दाख्यायाम, जिस पुरुष के योग में स्त्री हो जाती है तो वह उस योग से ही जैसे मास्टर की मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, चाहे वो मास्टरनी डॉक्टरनी हो और चाहे ना हो। ऐसे ब्राह्मण जाति में उत्पन्न कन्या को ब्राह्मणी ही कहेंगे, ब्राह्मण कन्या ही कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात हो गई ना कि ब्रह्मज्ञ शब्द ही बने, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मज्ञः, जैसे सर्वज्ञ धर्मज्ञ कर्मज्ञ होता है, इसलिए ब्रह्मज्ञ बनेगा यदि ये व्युत्पत्ति की। ब्राह्मण की व्युत्पत्ति ये नहीं होती है। अब चलिए वर्ण जाति अर्थ में समझ लीजिए। वर्ण शब्द का एक पाणिनि जी ने सूत्र लिखा, वर्णाद ब्रह्मचारिणी। वर्ण शब्द से ब्रह्मचारी अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है तो बनता है वर्णी, और वर्णी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। समझ रहे हैं ना? वर्णाद ब्रह्मचारिणी, वर्ण शब्द से ब्रह्मचारी अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता तब बनता है वर्णी। तो ब्रह्मचारी शब्द का पर्यायवाची है वर्णी, ठीक है ना? अब चलिए, अब आप धर्म शास्त्रों में आइए, फिर उसमें लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगने जाए तो ऐसा बोलना चाहिए, भवती भिक्षाम देही, भवती को पहले बोलना चाहिए। और क्षत्रिय ब्रह्मचारी को भिक्षाम भवती देही, ऐसा भवती को बीच में कहना चाहिए। और वैश्य ब्रह्मचारी को भिक्षाम देही भवती, ऐसा कहना चाहिए, भवती को अंत में कहना चाहिए। तो ब्रह्मचारी जाति अर्थ में हुआ कि नहीं हुआ? वर्ण शब्द जाति अर्थ में नहीं होता तो ये कैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को? अच्छा,
वर्ण शब्द जाति अर्थ में नहीं होगा तो ब्रह्मचारी को वर्णी कैसे कहेंगे। इसलिए पाणिनि जी ने लिखा वर्णाद ब्रह्मचारिणी, वर्ण शब्द से नहीं प्रत्यय होता ब्रह्मचारी अर्थ में, तो ब्रह्मचारी तो मनुष्य ही होते हैं ना, तो वर्ण जिनको आप अक्षर कह रहे हैं आ से लेकर के ज्ञा तक ये वर्ण है, ठीक है ना। अच्छा, और वर्ण माने अक्षर और वर्ण माने रंग, इसलिए कृष धातु से वर्ण अर्थ में नक प्रत्यय होता है तो कृष्ण बनता है, तो उसका कृष्ण वर्ण माने काला रंग, इसलिए वर्ण का अर्थ होता है रंग और वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। किंतु जाति अर्थ में जब वर्णी शब्द प्रयोग होगा तो ब्रह्मचारी अर्थ में ही होगा, और ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किस में होगा, मनुष्य अर्थ में, और किसी अर्थ में तो होगा ही नहीं। तो वर्णी शब्द मात्र मनुष्य को ही कह सकते और किसी को कह ही नहीं सकते। तो जब आपको ये कहना हो कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो अर्थात ब्राह्मण वर्णी, क्षत्रिय वर्णी, वैश्य वर्णी, ये इसका विधान है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, ये इसका मतलब है कि वर्ण और जाति एक ही वाचक हुए, इसलिए लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ऐसा बोलना चाहिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्रह्मचारी को ऐसा और वैश्य ब्रह्मचारी को ऐसा। अब ब्रह्मचारी और वर्णी शब्द पर एक जैसे हो गए, ठीक है। अब हम एक सूत्र बोल रहे हैं जो व्याकरण में पाणिनि जी ने लिखा है और संधि में है, पुलुत संधि में, उसमें लिखा प्रत्यभिवादे शूद्रे। ध्यान देना, जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो उसको अभिवादन कहते हैं, जब आप आशीर्वाद देगा गुरु तो उसको प्रत्यभिवाद कहते हैं, जैसे आप प्रतिनिधि कहते हैं तो प्रत्यभिवाद। वहां लिखा अशूद्रे, शूद्र प्रणाम करे तो पुलुत नहीं होता। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन के ब्रह्मचारी पे जब प्रणाम करेंगे तो ही वर्ण को पुलुत होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कोई ब्राह्मण बालक आए और कहे कि भो गुरु भवंतम अभिवादये, हे गुरु मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो यदि ब्राह्मण होगा तो कहेंगे, क्या कहेंगे, आयुष्मान भव देवदत्त। अब देवदत्त में पुलुत होगा, वो ब्राह्मण बालक है। और यदि क्षत्रिय प्रणाम करेगा तो कहेंगे गुरु आयुष्मान भव इंद्र वर्मन। वैश्य प्रमाण प्रणाम करेगा तो उसके लिए भी कहेंगे। इसका तात्पर्य अशूद्र क्यों लिखा है, अशूद्र क्यों लिखा है कि यदि गुरु को प्रणाम करे तो शूद्र अगर प्रणाम करेगा तो उसको पुलुत नहीं बोलना है, पुलुत बोलने में ही अशुद्धि कहलाएगी। ये संधि का बता रहे हम। तो पाणिनि जी यदि जन्म से जाति नहीं मानते होते तो शूद्र कैसे कहते, और जिस वर्ण को वो कर रहे हैं, इसलिए वर्ण और जाति पर्यायवाची है। तो शूद्र आपको जन्म से मानना होगा तब कहेंगे वो कि जो शूद्र अगर प्रणाम करे तो उसको आपको पुलुत नहीं करना उसके नाम पर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा स्त्रियां च न, स्त्री यदि कोई गुरु को प्रणाम करे तो उसको आशीर्वाद देने में उसमें भी पुलुत नहीं होता, इसलिए कहा जाएगा आयुष्मान भव गार्गी, पुलुत नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि जैसे स्त्री जाति जन्म से होती है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से ही होंगे, तभी तो ये विधान होगा कि भाई जब शूद्र प्रणाम करे तो उसको ऐसा नहीं करना है। तो ये कब होगा, इसका तात्पर्य ये है जैसे सरकार ने कहा, सरकार ने एक नियम निकाला है कि अब की बार की पंचायत में हरजन सीट आ गई, तो हरजन जन्म से मानते हैं कि कर्म से मान रहे हैं, उनके पास कोई उपाय ही नहीं, कर्म से कैसे मान सकते हो, नहीं तो फिर निर्धारित करें कि जो ये कर्म करता है उसको हरजन कहते हैं। तो कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो हरजन जैसा कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मलमूत्र साफ कर रहे हैं, तो सरकार उसको क्यों नहीं मान लेती है हरजन। हरजन को जो काम पहले कभी किया करते थे हरजन, जैसे बाल बनाना है, नाई बनाता है, तो नाई किस जाति में आता है, सरकार की दृष्टि में किस जाति में आता है,
तो अब ओबीसी है, अगर वो नाई की जगह पर कोई मुसलमान बनाने लगता है बाल, तो आप उस कर्म के अनुसार क्या मुसलमान को नाई की जाति में रखेंगे? नहीं रखते। तो सरकार भी जन्म से जाति मानती है, इसलिए हरिजन के घर में पैदा होगा वो भले हरिजन का काम करे चाहे ना करे, अथवा हरिजन के स्थान पर कोई ब्राह्मण भी अगर वो कर्म करता होगा तो क्या ब्राह्मण को हरिजन मान लेंगे आप? क्या आप ओबीसी मान लेंगे? ओबीसी जैसा काम यदि कोई हरिजन करता होगा तो क्या मान लेंगे? इसलिए वर्ण और जाति ये पर्यायवाची शब्द हैं। जैसा भी हमने आपको पाणिनि जी का सूत्र बताया, वर्णात ब्रह्मचारिणी एक, दूसरी बात ब्रह्म जानातीति ब्रह्मज्ञ ही बनेगा, ब्राह्मण नहीं बनेगा। और दूसरी बात और बहुत बड़ी बात है, जातियों का वर्णन कहाँ लिखा है बताइए आप? कहाँ लिखा है जातियों का वर्णन? संस्कृत के ग्रंथों में। तो संस्कृत भाषा का आपको ज्ञान नहीं है और संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, संस्कृत के विद्वानों से आप मिलते नहीं हैं और संस्कृत की हिंदी पढ़ लेते हैं, तो संस्कृत की हिंदी पढ़ी और अपने मन का अर्थ कर दिया तो आपके अर्थ करने से हो जाएगा क्या? इसलिए भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मनुष्य की बनाई जाति नहीं है, ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। इसका तात्पर्य निकलता है कि आदमी बनाता तो अपने 60 साल की उम्र में कम से कम 50 प्रकार की जाति बदल देता हूँ। इसलिए मनुष्य के हाथ में भगवान ने कुछ नहीं दिया, मनुष्य के हाथ में क्या किया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, मात्र तुम कर्म ही करोगे, फल तो मैं ही दूंगा, नहीं तो ये तो फिर उल्टा सीधा हो जाता, करता बुरा कर्म और ले लेता अच्छा फल। इसलिए भगवान ने कर्म प्रधान रखा ना, तो कर्म जाति प्रधान होता है, कर्म प्रधान जाति नहीं हो सकती। अगर कर्म प्रधान जाति होती तो ये अभी तक ये सभी लोग अगर एक दूसरे के कर्म को करते हैं तो सरकार भी उस जाति को मानने को तैयार नहीं है। कोई ब्राह्मण यदि मल मूत्र उठाता है और अगर आप कहो तो आप उसको हरिजन बना दो, और यदि कोई मंदिर का पुजारी हो जाए हरिजन, तो क्या आप उसको ब्राह्मण मान लेंगे? इसलिए हमारे यहाँ लिखा है ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, पंच ब्राह्मणान भोजयेत, पांच ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो कर्म करता हो ब्राह्मण का उसको भोजन कराना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण का कर्म करने वाले को भोजन कराना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा, यही लिखा होगा कि पांच ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अर्थात जन्म से ब्राह्मण मिलेंगे, कर्म से ब्राह्मण होता ही नहीं, और जो ब्राह्मण कर्म से नहीं है तो वो शूद्रवत है। अच्छा बताइए किसके जैसा कहा गया? जो ब्राह्मण कर्म नहीं करता उसको किसके जैसा कहा गया? शूद्र जैसा। क्यों शूद्र जैसा कहा गया? इसका मतलब शूद्र अलग वस्तु है ना। यदि कोई पूछे कि गाय कैसी होती है तो बोले नील गाय जैसी, तो इसका मतलब नील गाय अलग है और गाय अलग है। उदाहरण जब भी दिया जाता है वो कोई अलग होता है, तब उपमा तभी दी जाती है जब वो अलग होता है। तो जब आप ये कहें ब्राह्मण शूद्र जैसा हो गया, इसका मतलब है शूद्र अलग है, तभी तो ब्राह्मण की उपमा आप शूद्र जैसी देंगे। यदि ऐसा शूद्र कभी ब्राह्मण बन जाता हो, कभी ब्राह्मण शूद्र बन जाता होता, तो शूद्र जैसा शब्द का प्रयोग होता ही नहीं। इसलिए ये पृथक थे, पृथक हैं, पृथक रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।